तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिमन यू आई ए एस माई नेम इज ऋषभ एंड आई एम आई फैकल्टी ऑफ इंग्लिश उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे एंड मेरी तरफ से बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट सेशन इन दिस न्यू ईयर सो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड उम्मीद करता हूँ आप इस साल को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे राइट जो भी आपके गोल्स हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करिए सो दैट वो गोल आपको लास्ट में जाते जाते ऐसा ना लगे कि यू आर नॉट एबल टू डू दैट और यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल राइट तो ब्रेक दैट गोल इन अ वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस राइट और उनको अचीव करिए वो जो स्मॉल टारगेट्स जैसे आप अचीव करते जाएंगे तो so डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस आपकी आ, उम्मीद को बूस्ट करेगा राइट तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन इसी उम्मीद के साथ में और इसी एक होप के साथ में कि आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे और जो भी आपके डेली टारगेट्स हैं उनको अचीव करके ही रात को आप सोओगे राइट और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस ठीक है आ, एक इसका एक और पार्ट भी आएगा इसके बाद में राइट सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन और मुझे अगर लगा तो हो सकता है कि एक आधा पार्ट में और एक लेके आऊँ जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेज उसमें भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ राइट और इससे पहले जो हमने वोकेबलरी के सेशन करे थे उम्मीद करता हो आप उनको टाइमली रिवाइज कर रहे होंगे उनको प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा बिकॉज दोज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है थोड़े रूट वर्ड्स से मैंने करवाए थे थोड़े से आपको मैंने डायरेक्टली इंपॉर्टेंट uh, जो वर्ड्स थे उनके आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ठीक है करवाए थे चलिए फिर uh, देखते हैं हमारा आज का ये सेशन ओके okay. सो so, अभ्यास टू पॉइंट ठीक है जिसके बारे में आपको कई बार मैंने अपने सेशंस में आपके साथ साझा करी है ये बात कि अभ्यास टू पॉइंट ओ है लॉन्च ठीक है काफी बच्चे इसके साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं ठीक है आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अभ्यास टू पॉइंट ओ और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग इन द एंड ऑफ द वीडियो राइट चले फिर ओके okay, थोड़ी सी तबियत खराब है मेरी सो आई होप आप उस चीज के साथ में कोऑपरेट करेंगे चलिए, की बात करते हैं, तो पता है आपको क्या होता है बताने की जरूरत है नहीं एंड अब कुछ idioms होते हैं जो आपको पता भी होंगे और हो सकता है इनमें से कुछ आपको पता हो और जो नहीं पता हो उनको आप अच्छे से अंडरलाइन करके अपने उसमें लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में जैसा भी आपको अच्छा लगे राइट पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा वैसे भी मतलब तो फर्स्ट एडियम इज टर्न वंस हेड इसका मतलब क्या होता है टर्न वंस हेड तो जस्ट अ मोमेंट टर्न वंस हेड इसका मतलब क्या होता है टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग ठीक है टर्न वंस हेड मतलब एकदम ऐसे अकड़ के चलना कि उस चीज में आप तो प्राउड फील कर रहे हो और कोई सामने वाला उस चीज को सोचना है कि घमंडी हो चुका है तो इसलिए उसको वो चीज थोड़ी सी अनोइंग लग रही है, राइट? तो इस आ, को याद रखिएगा टर्न हेड, राइट टेक फॉर ग्रांटेड टेक फॉर ग्रांटेड पता है टू एक्सेप्टेडिली मतलब किसी चीज को बड़ा ग्रांटेड लेना लाइक ठीक है कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ सोचते हैं कि हम तो लेंगे ना, राइट मेहनत करेंगे नहीं तो इन दैट सेंस वी कैन से यू कैनो टेक यू कैनो टेक फॉर ग्रांटेड द थिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएस एग्जामिनेशन राइट सो टेक फॉर ग्रांटेड मतलब उसको थोड़ा हल्के में लेना मींस मैटर्स मींस मैटर्स का मतलब होगा टू कंफ्यूज इशूज ठीक है मींस मैटर्स को याद कर लो कि मिक्स मैटर्स की मैटर्स को मिक्स कर देना ठीक है मींस मैटर्स का मतलब मिक्स मैटर्स राइट ओके ऐसे याद कर लो कि मींस को मिक्स से इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो मींस मैटर्स मिक्स मैटर्स टर्न वन हेड रिपीट हुआ ये हाई एंड ड्राई हाई एंड ड्राई का मतलब होता है नेग्लेक्टेड ठीक है टू लीव सम हेल्पलेस ठीक है इसी को आप हाई एंड ड्राई छोड़ रहे हो इसका मतलब यू आर लीविंग दैट पर्सन हेल्पलेस ओके हाई एंड ड्राई टेक फॉर ग्रांटेड अगेन ओके नेक्स्ट वन इज टू टू कैच कैच अप अप विद विद का मतलब होता है टू कंपीट विद ठीक है टू कैच अप फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे थोड़ा लेट तैयारी स्टार्ट करेंगे राइट द स्टूडेंट्स हु फॉर दिस एग्जामिनेशन लेटर ऑन ठीक है सो दो स्टूडेंट्स हैचअप विद किसके साथ में तो कैच अप विद मतलब उनको कंप्लीट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी एक साल से तैयारी कर रहे हैं दो साल से तैयारी कर रहे हैं राइट तो ऐसे इसको आप समझ सकते हो टू कैच अप विद राइट ओके जस्ट अ मोमेंट ठीक है टू कैच अप विद ओके बात समझ आई चलिए फिर आता है फाइट टू द बिटर एंड फाइट टू द बिटर एंड मतलब कि आपको पता है कि आपकी कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जहां पे यू फील लाइक कि हाँ यही एक डिसीजन निकलेगा और जिसमें कि एक पार्टी को हार मिलेगी और उसको पहले से वो चीज का आईडिया है तो इट मींस दैट पर्सन इज फाइटिंग टू द बिटर एंड्स मतलब वो पहले से उसी पहले से ही उस साइड पे फाइट कर रहा है जहां पे उसे पता है कि हार जो है निश्चित है ठीक है टू फाइट अ लूजिंग बैटल जिस बैटल को हार रहा है कोई उसी को लड़ना दैट इज कॉल्ड फाइटिंग टू दिटरेंट ठीक है फिर आता है थ्रो डाउन अ ग्लव थ्रो डाउन अ ग्लव मतलब कर देना थ्रो डाउन अ ग्लव टू सरेंडर राइट टू एक्सेप्ट डिफीट या फिर टू सरेंडर कर देना मतलब राइट टू सरेंडर ओके टू एक्सेप्ट डिफीट या फिर ठीक है नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन द द द लाइंस लाइंस आई होप कि ये ये सबको पता होगा मीनिंग मीनिंग रीड बिटवीन फॉर जबी भी व्हेन यू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन ठीक है आपके एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिए जाते हैं और जब वहां से फ्रेम करे जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वहां पे आंसर नहीं मिलेगा उसका You have to understand the particular comprehension only then you, you will be able to uh, mark the answer right. So it means if you have the capability to read between the lines only then you will be able to uh, mark the right answer. Hai? So read between the lines to understand the hidden meaning, which directly but that meaning is given in the particular sentences. Right? let the cat out of the bag. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अब इसका मतलब क्या होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बताएगा कोई एक मिनट ओके okay. इसका मतलब होता है टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इट मीनस की अन इंटेंशनली सीक्रेट को रिवील करना राइट टू रिवील

टू गेट एंगेज इन एक्टिविटीज इन टू मैनी दो सेना लाइक फॉर एग्जाम्पल समू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम हो सकता है वो जॉब भी कर रहे हो या फिर साथ में कुछ और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो राइट सो इट मीन यू आर है टू मैनी आयरन इन द फायर ओके नेक्स्ट वन इज टू स्टीयर क्लियर ऑफ टू स्टीयर क्लियर ऑफ इसका मतलब क्या होगा टू स्टीयर क्लियर ऑफ इसका मतलब होगा अवॉइड करना ठीक है uh, to shun का मतलब ही होता है शन अगर आपको वर्ड आता है टू शन ठीक है टू शन समवन ठीक है यार ऐसे लिख देता हूं टू शन समवन तो इट मींस इसका भी मतलब होता है क्योंकि शन का जो मतलब होता है उसका होता है अवॉइड करना, ठीक ठीक है, है, बदला लेना बदला लेना टू गेट वंस ऑन बैक ये मत समझना कि खुद को सपोर्ट करना राइट है ना कुछ वैसा इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंच ओके टू रन अक्रॉस टू रन अक्रॉस इसका मतलब होता है मीट बाय चांस फॉर एग्जांपल आप कहीं नई सिटी में जॉब करने गए एंड देयर यू फाउंड कि कोई आपका स्कूल का दोस्त या कॉलेज मेट है ना राइट वो आपको वहां पे मिल जाता है सो इट मींस यू रन अक्रॉस यू रेन अक्रॉस ठीक है टू दैट पर्सन ओके टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस ओके अ डार्क हॉर्स वट इज द मीनिंग इसका मतलब होता है एक अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर और इसको कई जीनियस के सेंस में भी बोलते हैं हम लोग ठीक है मैं इसको रेज कर देता हूं जस्ट मोमेंट। मैंने यहां पे लिखा अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स इसका मतलब हो जाता है एक जीनियस भी बोल सकते हो इसको आप बताता हूं इसका मीनिंग क्यों होता है जीनियस डार्क होर्स उसको बोला जाता है कि कोई जो पहले कॉम्पिटिशन में था नहीं और तो उम्मीद नहीं थी पूरी right? तो वो, वो की पूरी पलट दी एंड ही वन दट गेम राइट सो एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर ठीक है और इसलिए इसका इतना महत्व है क्योंकि ये, गेम जीतेगा ये डार्क होर्स राइट इसीलिए इसका मतलब होता है एन अनफोर्सिंग कॉम्पिटिटर या फिर एक जीनियस ठीक है फिर आता है नेक्स्ट वन इज पुट अप विद पुट अप विद इज द मीनिंग ऑफ दिसम होता है एंडियोर करना या फिर टोलरेट करना एंडियोर करना या फिर टोलरेट करना ठीक है फिर आता है गॉट द सैक डिसमिस्ड फ्रॉम ठीक है एक होता है गोट द सेक एक होता है हिट द सैक हिट द सैक इसका मतलब होता है हिट द सैक द मीनिंग फॉर द सेम इज गो टू स्लीप गो टू स्लीप राइट हिट द सैक गो टू स्लीप और गोट द सैक इट मीन्स डिसमिस कर दिया उसको गोट द सैक इट मीनस डिसमिस्ड फ्रॉम इज दलियर बात समझ आ रही uh, है नेक्स्ट हरक्यूलियन टास्क आपको दिख नहीं रहा होगा इसको मैं लिख देता हूं ऊपर तो यही पर लिख देता हूं हरक्यूलियन टास्क ठीक है इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क ठीक है अ डिफिकल्ट टास्क ठीक है हरक्यूलियन टास्क इट मींस डिफिकल्ट टास्क और गोट हिट द सैक इट मींस गो टू स्लीप एंड गोट मींस डिसमिस्ड फ्रॉम ठीक है नेक्स्ट पे चले ओके नेक्स्ट वन इज फॉल थ्रू फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल ठीक है ये आपके डायरेक्ट नहीं भी आए अगर तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे ये चीजें ठीक है इडियम्स हो गया

16 क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके बीच में आपके क्वेश्चंस लाई like करेंगे इंग्लिश के ओके okay? तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर करिए रादर देन कि जस्ट कि हाँ कर लेंगे हो जाएगा ठीक है तो एक-एक नंबर एक-एक मार्क के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा एंड उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ओके फोर्थ टू टू फेथ कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग इसको आप समझ भी सकते हो का मतलब होता है पैसा ठीक है जैसे एक होता है रुपीज एक होता है पैसा ठीक है तो ये पैसा जैसे हमारा पैसा है पाउंड एक रुपये जैसा पाउंड का होता है कि किसका होता है बट शिलिंग है ना पैसे जैसे होता है ठीक है तो कट वन ऑफ विदाउट मतलब एक पैसे दिए एक पैसा मेरा किसी को घर से बेदखल कर देना डिस इनहेरिटिंग ठीक है या फिर बेदखल तो बेदखल करना, जिसको बेदखल करना। जिसको बोलते हैं मतलब कुछ ऐसा लगना कि दाल में कुछ काला है जैसा है ना कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक टू सस्पेक्ट अ ट्रिक ओके जस्ट मोमेंट

जैसे अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है ठीक है इफ इफ इज़ इज़ हैपनिंग, हैपनिंग एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट ठीक है अच्छा एक, एक अलग है ये ये वाला एडियम अलग है यहां से क्या है रेड लेटर डे वेरी इंपॉर्टेंट रेड लेटर डे इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट डे ठीक है

ठीक है भाग गया सो टू बीट अ रिट्रीट रिट्रीट देने के लिए वो भाग गया टू टू बीट अ रिट्रीट ठीक है रन अवे इन फियर ठीक है कि कि डर से भाग गया कि उसको पार्टी ना देनी पड़े उसको ट्रीट uh, ना देनी पड़े ठीक है नेक्स्ट चले फिर ओके नेक्स्ट वन इज बाई लीप्स एंड बाउंस बाई लीप्स एंड बाउंस इसका मतलब क्या होता है रैपिडली ठीक है लगातार बाई लीप्स एंड माउंट्स रैपिडली या फिर कॉन्टिन्यूसली ठीक है नेक्स्ट वन इज हेल्टर स्केल्टर हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है इन डिसऑर्डरली हैस्ट हैस्ट मतलब जल्द जल्दी ठीक है जल्दी फिर आता है गो टू विंड्स।

स्क्वेंडर का मतलब होता है आ, काफी ज्यादा खर्चीला है ना जिसको आप बोल सकते हो मुझे इसका वर्ड नहीं याद आ रहा वो तो लिख देता हूं यहां पे खर्चीला ठीक है इसका अपोजिट तो काफी ज्यादा हो जाएंगे स्कवाण्डर के अपोजिट की बात करूं तो थ्रिफ्टी हो जाएगा कंजूस ठीक है क्लोज फिस्टेड ठीक है मुट्ठी बंद करके खर्च करना इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो ठीक है स्टिंगी uh, स्टिंगी बोल सकते हो ठीक है और माइजरली uh, ठीक है माइजरली याद रखना एक होता है माइजर एक होता है माइजरली सर इसमें क्या डिफरेंस है माइजर का मतलब होता है एकदम दयनीय ठीक है, है और माइजरली का मतलब होता है कंजूस ठीक है या फिर मिजरी या एक मिजरी होता है मिजरी ठीक है एक माइजरली होता है एक मिजरी होता है तो मिजरी का मतलब होता है दयनीय ठीक है ठीके? और माइजरली का मतलब होता है कंजूसी से भरा हुआ ठीक है सो तो माइजरली भी इसका आंसर हो जाएगा सिंजी थ्रिफ्टी क्लोज विस्टर्ड माइजरली और स्क्वाइंडर का मतलब होता है खर्चीला ठीक yeah? है चलो वापस से आते हैं ऑन द लेवल ऑन द लेवल का मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट ठीक है एंड सिंसियर या फिर हार्ड वर्किंग इसको आप बोल सकते हो ठीक है इसको मैं इरेज कर रहा हूं स्क्वेंडर का मतलब समझ आ गया सबको fifty clothes whiskers ठीक है miserly miserly का मतलब होता है कंजूस ये इसके अपोजिट है और misery का मतलब होता है दयनीय ठीक है और आ, फिर हमारा आता है on the level honest and sincere इसका मतलब होता है या फिर इसको आप हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हो वो क्यों बिकॉज़ जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं वो सिंसियर भी होते हैं और ऑनेस्ट भी होते हैं ठीक है हार्डवर्किंग के लिए कुछ सिनोनिम्स बताइए आर्डवस ठीक है आर्डअस ठीक है असीडवस ये पढ़ा रखे मैंने आपको ठीक है ये मत सोचना कि कुछ सर क्या बता रहे आप असीडस हो गया आर्डवर्स हो गया ठीक है और क्या हो सकता है बताइए इंडस्ट्रियस ठीक है इंडस्ट्रियस लेबोरियस क्योंकि लेबर जो होती है वो मेहनती होती है ठीक है आ, अच्छा ठीक है ये तो हो गया हमारा हार्डवर्किंग के लिए ठीक है आर्डवर्स, असीडवर्स इंडस्ट्रियस लेबोरियस ठीक है चलिए फिर कहा थे हम लोग ऑन द लेवल ऑनेस्ट एंड सिंसियर या फिर हार्डवर्किंग ठीक है डन फोर डन फोर डन फोर का मतलब होता है रूइंड खत्म हो जाना एकदम से तबाह हो जाना ठीक है डन फोर रूइंड फिर आता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट इसके बाद एक ओ आएगा प्रपोजिशन दैट इज ऑफ मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इसका मतलब होता है कन्फेस करना जो भी आपने गलत काम करा होगा उसको कन्फेस करना ठीक है फिर आता है टू एंड इन स्मोक धुआं में खत्म हो जाना मतलब कम टू नथिंग या आपने कुछ चीज के लिए एफर्ट्स करे एंड दो कम टू नथिंग या फिर नो आउटकम वॉज देयर टू एंड इन स्मोक ठीक है टू एंड इन स्मोक मतलब कुछ भी हाथ ना लगना ठीक है uh, फिर आता है टू हैव सम्लीप हैव समिंग अप है having a secret plan, ठीक है सीक्रेट प्लान जैसे आप वो होते हैं ना जो कार्ड्स के साथ प्ले करते हैं ठीक है सो इन दैट सेंस यू कैन से टू हैव समिंग अप के अंदर कुछ होगा ठीक है इट मींस टू हैव अ सीक्रेट प्लान Right? बात समझ आ रही है आ, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहे होंगे आगे कुछ सो okay. so, आज के सेशन में हमारे पास इतना ही है एंड थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मैं आ, आपको अभ्यास के बारे में कि अभ्यास 2.0 पॉइंट ओ है लॉन्च जो कि 75 डेज का आपका कोर्स रहेगा ठीक है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से दिस

और जो भी चीजें आपको बताई जा रही है ठीक है अपनी सेंसेस का यूज करिए अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी पे विश्वास करिए उसको फॉलो करिए एंड डेफिनेटली वो चीजें आपको रिजल्ट देंगी ठीक है सो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन थैंक यू फॉर बींग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल उम्मीद करता हूँ इस साल अपने स्ट्रगल को खत्म करके यू